Hello guys, welcome back to our channel. This is Rider Aman. Today we are going to review TVS Apache RTR 180 non-ABS. हम फ्रंट टायर की बात करेंगे बाइक के 90x90 R17 का फ्रंट टायर है. फ्रंट सस्पेंशन जो है इसके टेलीस्कोपिक फॉक्स 105mm स्ट्रोक है. ये इस बाइक के बैली पेंस हैं. अब हम इसके रियर सस्पेंशन की बात करेंगे. रियर सस्पेंशन जो है इसका वो मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक्स विद स्प्रिंग एड है. अब हम इस बाइक के रियर टायर की बात करेंगे. रियर टायर जो है इसका 110x80 R17 है. 200mm पेटल डिस्क विद RLP. बोथ आर अलॉय व्हील्स विद ड्यूअल डिस्क ब्रेक. ये आप देख सकते हैं इसके ग्रैब रेल्स हैं बाइक की साइड में पीछे पकड़ने के लिए. अब हम इस बाइक के इंजन की बात करेंगे. इंजन जो है इसका 177.4 cc का 4-valve 4-stroke सिंगल सिलेंडर एयर कूलिंग 5-speed गियरबॉक्स है. पावर एंड टॉर्क जनरेट करता है. मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 17.3 BHP 8500 RPM. मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 15.5 Nm एट द रेट 6500 RPM. ये इसकी मीटर है. मीटर के अंदर लेफ्ट वाला डिजिटल मीटर है एंड राइट वाला एनालॉग मीटर. राइट वाला RPM मीटर है एंड लेफ्ट वाला स्पीडोमीटर है. ये फ्यूल इंडिकेटर है इसका. फ्यूल इंडिकेट करता है. इसमें वॉच है, ओडोमीटर है एंड स्पीड इंडिकेट करता है. 800 से 850 तक पड़ जाती है और इसका माइलेज सिटी के अंदर 30 km/h है और हाईवे पे ये 40 km/h दे देती है आराम से. सर्विस इसकी टीवीएस अपाचे की सर्विस में टीवीएस अपाचे के ऑफिशियल स्टोर से कराता हूँ. 800 इसका प्राइस है सर्विस का और इसमें फिल्टर चेंज होता है, ऑयल चेंज होता है, कैस्ट्रोल एक्टिव ऑयल डलता है इसके अंदर और फिल्टर चेंज होता है इसका. Are you satisfied with this bike? Yes, I am satisfied with this bike. Under 1 lakh, ये बहुत अच्छी बाइक है. चलाने में बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम स्पेयर पार्ट्स में या कुछ वाइब्रेशंस बाइक के अंदर? 2 साल इस गाड़ी को मुझे चलाते हुए हो गए हैं. इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है. कोई भी नॉइज़ नहीं आई है, आवाज़ नहीं आई है कोई भी गाड़ी में. आप टॉप स्पीड पे इसे चलाइए, कोई भी आवाज़ नहीं आई, कोई भी नॉइज़ नहीं आई. ओवरऑल गाड़ी मेरे को बहुत बढ़िया लगी. मेरी फेवरेट है अपाचे R180.